सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमानी जी और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से, मेरे गांव भापंज और ढुमसानी से, क्योंकि आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं ढुमसानी से कर रही हूँ और 10:30 बजे से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। और आज कुछ अलग लोकेशन पे आ रही हूँ, आपको अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ मैं ऊपर ढुमसानी में आ रही हूँ और अभी रेखा दीदी की गौशाला यहाँ पे है, रेखा दीदी लोगों की गौशाला ये, तो यहीं से मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ का नज़ारा इधर उधर का कुछ इस तरह से है और काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है। मौसम भी देखिए कितना साफ है आज का, बिल्कुल भी बादल नहीं लगे हुए हैं। और हम अभी पत्तों के ले जा रहे हैं, तो मैं आज ऊपर अपने वाले घर में नहीं गई क्योंकि आज हम इधर से यहाँ वाले रास्ते जाएंगे पत्तों के लिए। तो रेखा दीदी भी आ रही थी पत्तों के लिए और एक दीदी और है, तो वो भी आ रहे हैं, तो उनके साथ हम पत्तों के लिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पे मैं रेखा दीदी की गौशाला दिखाती हूँ आपको, ठीक है। उनके बैल आजकल यहाँ आ रखे हैं ऊपर ढुमसानी में, तो वो भी डेली आजकल यहीं आई रहती है। और यहाँ पे खेत भी, बहुत सारे खेत हैं उनके, तो खेतों का काम भी करना है। और ये रहे रेखा दीदी लोगों की बैल, तो बैल भी आजकल यहीं आ रखे हैं। और यहाँ ऊपर भी इन्हीं के खेत हैं और यहाँ से सारे नीचे वाले जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब यहाँ नीचे तक उन्हीं लोगों के खेत हैं। यहाँ पे ये पूरा एरिया इन्हीं लोगों का है इतना। और अभी रेखा दीदी ने नाश्ता नहीं किया है, बस तो इसने बोला हमको भी रुक और नाश्ता करके जाएंगे। यहाँ पे है इसका किचन, तो यहीं पे खाना होना दिन में यहीं पे बनता है। और दीदी यहाँ पे अभी हेलो कर लो, हेलो, चाय बना रही है चूल्हे में। और ये रही पुराने जमाने की केतली, पहले ऐसी केतली में चाय बनाती थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ये इन लोगों ने रखा है पुराने जमाने की कुछ चीजें यादगार के लिए, होनी भी चाहिए। और रेखा दीदी ने देखो यहाँ पे कितनी लकड़ियों की ढेर लगा रखी है, पूरी डेली यहाँ के जंगल जाती रहती होगी ना, और इधर भी लकड़ी रखी हुई है। और दीदी बना रही है यहाँ पे चाय, क्योंकि ये रेखा दीदी ने रोटी नहीं खाई है, बस तो बोल रही है कि रोटी खाते हैं तब उसके बाद पत्तों के ले जाते हैं। तो मैं भी अभी थोड़ा सा चाय पीऊंगी और मेरी तो ना अपनी व्यवस्था घर ही से करके लाती हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी ना बना दी, मैं थर्मा स्पेशल चाय लेते रहते रखू ना। तो यहाँ पे देखा कितनी अच्छी वाली आग जली हुई है ना, और ये रेखा दीदी तो दिन में खाना भी यहीं पे बनाती है, यहाँ पे अच्छा सा कर रखा है, क्योंकि आजकल इसको यहाँ पे शायद एक महीना हो गया होगा इसको यहाँ पे आते आते नहीं दीदी। और अब मैं पत्तों के लिए जाना है, यहाँ पे क्या क्या सामान ला रखा है, यहाँ देखो घर से ला रखे है आलू प्याज बिस्किट सब कुछ खाने के लिए। मेरे पानी तो उधर रह गई यार, मेरी तो उधर बाहर में है, उधर में तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का नजारा दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ रही हूँ अभी रेखा दीदी की गौशाला के ऊपर छत में, और यहाँ पे हर किसी की पठाली वाली छतें रहती है, जो गौशाला होती है ना उनमें इस तरह की पठाली रहते हैं, ये कुछ इस तरह से पुराने जमाने की। तो इस पे तो इधर साइड पे टिन लगाया हुआ है और इधर साइड पे पठाली लगा रखी होती है, तो यहाँ पे सभी के मकान पठाली वाले हैं। यहाँ पे तो हम कुकर में नहीं बनाते हैं खाना, यहाँ पे तो पतीली पे बनाते हैं खाना, और एकदम अच्छा बनता है पतीली का खाना, सबसे टेस्ट होता है। पहले जमाने के बर्तन दिखाई देंगे आपको यहाँ पे सारे, इनको बोलते हैं प्योर कोदले, पहाड़ी कोदले। यहाँ देखो कोदे की रोटी। यह सब्जी किसकी है, गोभी, आलू गोभी की सब्जी, कोदे की रोटी। फिलहाल हम लेते हैं कोदे की रोटी का आनंद। हेलो, ये देखो यहाँ नीचे पे लगे हुए हैं न्यार काटने में मुन्नी, इन दो लोगों की भी गौशाला है यहाँ पे, तो इनकी भी आजकल अपनी बैल यहीं ला रखी है,
तो सभी लोगों का काम आजकल यहीं पे चल रहा है, क्योंकि घर में जो घर के खेत थे पापन के खेत, तो उनमें का न्यार तो काट दिया है, अब यहाँ ढुंगसानी का बचा हुआ है। तो सभी लोग आजकल, जितने भी लोगों की गौशाला हरतोली में होगी ना, तो सभी लोगों की गौशाला यहाँ ढुंगसानी भी है, तो आजकल इन लोगों के बैल भी यहीं पे आ रखे हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। और हमने जाना है यहाँ से इधर ऊपर के लिए, यहाँ पे तार बाड़ कर रखी है, क्योंकि इससे क्या कि तार बाड़ किया है तो जंगली जानवर इधर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जंगली जानवर तो आ ही रहे हैं, अपने आतंक मचाए रहे हैं, एक भी घास न्यार कुछ भी नहीं रखते हैं। बाड़ करने का भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, तार बाड़ भी कर रखी है, फिर भी जंगली जानवर आ ही रहे हैं। और ये दीदी लोग तो लकड़ियों के लिए जा रहे हैं बल, और मैं जा रही हूँ। हम आ चुके हैं जंगल में, और यहाँ पे देखे कितने सारे पत्ते हैं ना, तो मैं तो यहीं पे पत्ते इकट्ठे करूंगी। ये दीदी लोग ले जाएंगे लकड़ी, तो ये लग चुके हैं लकड़ी पे, यहाँ पे भिवाड़ भिवाड़ करने बैठ गए हैं। कम से इससे तम जब ऊपर दबा ना जरा तुम सब बांध काटे तुझे ना मैंने लिख रहा जिनबा। तो ये लग चुके हैं यहाँ पे लकड़ियां काटने पे। और पिछले साल ये दीदी ये इतने बड़े बांझ के पेड़ पे गई थी। ये दीदी ना इतना ज्यादा पेड़ पे जाती है ना, जिस दिन कभी जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको, इतना ज्यादा पेड़ पे जाती है। और यहाँ ऊपर तक, यहाँ देखे सीधे ऊपर तक जा रखी थी, तो इस बांझ की जो लकड़ी रह गई होगी, तो इस साल ये यहाँ पे उन्हीं लकड़ियों को लेने आ गए। प्योर बांझ की लकड़ियां, एकदम बांझ के कोयले इतने अच्छे होते हैं, इन पे आँच भी बहुत ज्यादा आती है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर बांझ की लकड़ियों की ढूंढ जाते हैं, क्योंकि उसके कोयले हैं ना जो, वो जल्दी बुझ नहीं जाते हैं और आँच भी बहुत अच्छी आती है। तो यूंद के टाइम पे बर्फ के महीने में जब बर्फ पड़ती है तो बांझ के कोयले कितने अच्छे गर्मी देती है। मैं भी जाती हूँ वहाँ पे पत्ते, ये दोनों तो झोड़ा काट रहे हैं तो न यदि तुम लोग पेड़ा। अभी मैंने यहाँ से इतने पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं, और दीदी ने अपनी अपने लिए लकड़ी निकाल दी है, और यहाँ पे आई है मेरी मदद करने, मेरे पत्तू को सोल्टा बांधने के लिए, क्योंकि मुझे ना ऊपर में बांधना उतना नहीं आता है जितना दीदी को आता है। जबके लगाने उसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे जबका लगा, तो मुझे जबका लगाने नहीं आते है ना, यहाँ से जो सोल्टा हो ना है ना, तो इस साइड से ऐसे जबके लगाने पड़ते हैं तब ऊपर में रखना पड़ता है, तो मुझे इतना नहीं आता है जितना दीदी को आता है। दीदी को ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, मुझसे भी ज्यादा। तो अभी मेरा स्वर्टा पे जबके लगाए जा रहे हैं चारों तरफ से, यहाँ से भी और इधर से भी और ऊपर से भी और पीछे से भी। तो कुछ दो दो चाहिए होते हैं इसको लगाने के लिए, दो इंसान दो मन की। अब यहाँ से भी लगाएंगे, यहाँ से कैमरा मैन लाख छो मेरू, बस ढबरा हर चिगन मेरा बकरा हर चिगन मेरा। थैंक यू, बस इंच मदन, बस वे लास्ट एंड फाइनल, बस तो एकदम से तैयार हो गया है। और दीदी को बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद कि तूने मेरे पास पेड़ा लगा के दिया है। अब मैं दीदी की हेल्प करूंगी, दीदी ने मेरी हेल्प करी है पेड़ा लगाने में, मतलब पत्ते लगाने में, तो अब दीदी का लकड़ी का भाड़ा लगाएंगे। ये रहा मेरा पत्तू का सोल्टा, कितना मस्त दिखाई दे रहा है ना। तो ये रहे यहाँ पे दीदी की लकड़ी, तो अब मैंने लगाना है इनका भाड़ा, तो चलिए एक बार हम लकड़ी का भाड़ा लगा देते हैं। दीदी ने मेरी हेल्प करी थी पत्तू का सोल्टा लगाने में, तो मैंने दीदी की हेल्प करी है यहाँ पे लकड़ी का भाड़ा लगाने, क्योंकि लकड़ी का भाड़ा लगाना थोड़ा आसान है लेकिन पत्ते लगाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ से लगाओ वो दूसरी तरफ से नीचे गिर जाते हैं, दूसरी तरफ से लगाओ तीसरी तरफ नीचे गिर जाते हैं, तो इसे लगाना थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए पत्ते लगाने का। तो लकड़ी तो ऐसे रस्सी में रख लो। तो हमारे पहाड़ों में आज भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे जंगलों में जाओ और मेरे पास नहीं हुआ तो और लोग दे देते हैं, अगर किसी और के पास नहीं हुआ तो उसे उसे रुकना पड़ता है। आज भी हमारे पहाड़ों में ऐसे
लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। कुल मिला के ये बोलो कि मिलजुल कर रहते हैं। उन लोगों के पास तो थोड़ा सा पीठ पे लगाने के लिए घास चाहिए बस, तो वो तो चले गए घास लेने, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दीदी का भारा, तो फिर उसके बाद हम भी चलेंगे घर। सबने भारे लगा दिए हैं और ये लोग पीठ पे लाने के लिए रिंगा लाए हैं, ताकि लकड़ी जो है ना वो पीठ पे चुभती नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ रखना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल हम चलते। अभी मैं पते लेके घर में, यहाँ ऊपर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऊपर वाले घर में, तो मैं फिलहाल यहाँ से निकाल रही हूँ घास। और यहाँ पे नेहा की मम्मी भी आ रही है, तो वो तो उधर पे है और मैं यहाँ पे निकालूँगी घास। तो पहले मैं घर के लिए घास निकालूँगी, तो जितना टाइम होगा तब उसके बाद यहाँ के लिए काटना है। तो फिलहाल मैं निकालती हूँ घास, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई है क्योंकि पत्तू का सोल्टा वहाँ नीचे रास्ते में रखा, फिर वहाँ से यहाँ आई, और अब इसके बाद अभी खाना रखा हुआ है, तब खाना खाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी निकाल रही हूँ घास। इधर इधर की धूप तो एकदम चली गई है, और यहाँ ना अच्छे से धूप भी नहीं लगती है, तो धूप ना लगने के कारण यहाँ पे घास इतनी गीली हो रखी है कि इधर साइड तो थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन इधर साइड की धूप एकदम से जा चुकी है। 3 बजे का टाइम हो गया है और हमने अभी 3 बजे खाया है खाना, और खाना खाने के बाद अब हम खेत में आ चुके हैं। और ये यहाँ पे नेहा की मम्मी ने रखा है न्यार, तो इसको लगाना है यहाँ पेड़ पे। ये जा रही है ऊपर बांझ के पेड़ पे, ये जा रही है ऊपर पेड़ पे, और ऊपर तक लगाना है इस पे न्यार। तो ये वाला न्यार देना है मैंने, ऐसे ऐसे बना रखे हैं ये पूरी। ये लगा दिया है इस वाले पेड़ पे, न्यार बांध के पेड़ पे, और अब हमको जाना है यहाँ से नीचे घास के लिए। अभी मैं ढुंसानी से नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ, और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ दो दोस्त और भी मिल गए हैं मुझे जाने के लिए हरतोली। ये साथ में ये उधर आ रहे हैं पत्तों का स्वल्टा, और एक ला रही है घास। तो इन लोगों के बैल भी आजकल उधर ढुंसानी में जा रखे हैं, और इनके खेत भी हैं वहाँ पे, तो इनकी भी आजकल डेली ड्यूटी लगी है मेरी, हमारी तरह डेली जाते हैं ये भी, और डेली शाम को वापस आते हैं। तो पत्ते भी वहीं से लाना है, घास भी वहीं से लाना है, और आज तो मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो ये लोग भी मिल गए मुझे रास्ते में जाने के लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं। अभी मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और मैं पी रही हूँ चाय। तो बाहर तो एकदम से अंधेरा हो गया है, और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि आजकल मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं तो आजकल डेली ही ढुंसानी में रहती हूँ दिन भर, तो मिक्की के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाती हूँ, तो अभी मैं मिक्की के साथ में हूँ। मिक्की अभी मेरे साथ में बैठा हुआ है। मिक्की हेलो बोल सबको, नमस्ते करो सबको, बोले हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? अभी मैं कहना नहीं मान रहा हूँ, बस गाना सुना तो मैं केवल हे नंदा हे गोरा बोल, बस इसको गाना भी आता है, हे नंदा हे गोरा बोल, बस बोल। हाथ में क्या है ये, हा? ये क्या है बस? मिक्की की छतरी, मिक्की की छतरी, इसमें क्या है मिक्की छतरी है? तू दोस्तों को नमस्ते नहीं कर रहा, क्यों बस? तू नहीं कर रहा है बस, तो बाहर तो काफी अंधेरा हो गया है, और मैं भी चाय पी रही हूँ, तो अब खाना खुना बना, रोटी रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो मुझे अभी बहुत ज्यादा थकान लग गई है, मन तो करता है कि सीधे सो जाना है, अगर कोई बोलता रोटी भी मत बनाओ, सीधा सोने का मन कर रहा है, इतनी थकान लग गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
तुम।